आज की म्यूजिक इंडस्ट्री काफी ज्यादा फैल चुकी है। कई नए गायक अपने नए नए गीतों के साथ टीवी स्क्रीन पर नजर आते हैं। आए दिन नए नए गाने जिनमें ज्यादातर रिश्तों को बिखेरने, टूटते भरोसों और हिंसा दिखाई जाती है। आज चंडीगढ़ के प्रेस क्लब में गायिका किरण कौर अपने नए पारिवारिक गीत गेड़ा गली विच का ट्रैक लेकर पत्रकारों के मुखातिब हुई। गायिका किरण आवाज पंजाब दी सीजन 3 में भी भाग ले चुकी हैं। गायकी में काफी समय लगा चुकी किरण कौर ने बताया कि इससे पहले एक और गाना आया था जो कि कॉपीराइट है। गेड़ा गली विच स्टार बीज रिकॉर्ड द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उनका मानना है कि गीतों में हिंसा नहीं होनी चाहिए क्योंकि कला समाज का प्रतिबिंब होती है। हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण कौर आपके साथ और बाय प्रोफेशन मैं एक सिंगर हूं और मेरा ये संगीत का जो सिलसिला शुरू हुआ ये मेरे स्कूल टाइम के दौरान शुरू हुआ। स्कूल में मुझे नाइटिंगेल के नाम से बुलाया जाता था और उसके बाद मेरी शुरुआत हुई तो छोटे छोटे शोज़ के साथ मैंने अपना सफ़र शुरू किया था और आज मैं उस मुकाम पे हूँ जहाँ पे मैं अपना ये दूसरा पंजाबी सॉन्ग लॉन्च कर रही हूँ जिसका टाइटल है गेड़ा गली विच। मैम ये एक बहुत ही प्योर लव सॉन्ग है, बीट नंबर है जिसे कि आजकल का यूथ बहुत इंजॉय करेगा। इसमें कोई ऐसा स्पेशल मैसेज नहीं है लेकिन हाँ मैं ये कहूँगी कि इसमें कोई भी ऐसा ख़राब वर्ड नहीं यूज़ किया गया जो कि आजकल आपको देखने मिलता है। बहुत मुझे खुद को पर्सनली बहुत बुरा लगता है जब हम ये गोली बारूद और शराब की बातें हम एक गानों में किया करते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू नेम एनीबडी इन पर्सन लेकिन मेरा खुद का ये मानना है कि म्यूज़िक बहुत प्योर है और सुनने वाले भी कुछ प्योर सुनना चाहते हैं। आजकल का यूथ जो है वो गलत चीज़ों में इंडल्ज हो रहा है और मुझे लगता है कि हमें म्यूज़िक के म्यूज़िक के साथ हमें उनको उस चीज़ से निकालना चाहिए। हंस जी, पद्मश्री हंसराज जी मेरे लिए मेरे आइडल हैं और उन्होंने जब मेरी आवाज़ सुनी तो उनको मेरी आवाज़ पसंद आई तो उन्होंने मुझे एज अ को आर्टिस्ट अपने साथ चूज़ किया। मैंने उनके साथ शोज़ लगाए और हर शो में मुझे उनसे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। उनका ये मानना है कि एक इंसान को जो एक सिंगर है स्पेशली कि वो कहते हैं कि तुम चाहे खाना भूल जाओ लेकिन दिन में रियाज मत भूलना, जो कि मुझे लगता है कि एक संगीतकार के लिए बहुत आवश्यक है।